हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर सॉल्यूशन। कंप्यूटर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आप मेरे चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लें और मेरी न्यू वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लें। आज हम आपके साथ शेयर करते हैं फेसबुक अकाउंट किस प्रकार बनता है पीसी के अंदर और ये किस प्रकार का अकाउंट होता है। ये एक सोशल मीडिया अकाउंट होता है। जिसलिए शुरू करते हैं तो इस अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले आप अपने पीसी के अंदर कोई ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, जो भी आपके सिस्टम के अंदर ब्राउज़र दिया हुआ है। हम जैसे पहले ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। ब्राउज़र ओपन हो गया, फिर आप यहाँ गूगल में सर्च कर लीजिए अपना फेसबुक अकाउंट बनाने के लिए। ये देखिए फेसबुक आ गया। यहाँ पे फेसबुक के अलग अलग ऑप्शंस आ गया। फेसबुक यूज़ करना होता है फेसबुक लाइट, ये इसका शॉर्टकट वर्जन होता है फेसबुक लाइट। हमें फेसबुक अकाउंट बनाते हैं तो ये आ गया। तो ये देखिए फेसबुक अकाउंट साइन अप, इस पर क्लिक कर लेंगे हम। ये साइन अप करने के बाद हमारे पास इस प्रकार फेसबुक अकाउंट स्क्रीन ओपन हो गई है। तो इसके अंदर ये देखिए यहाँ ऊपर की तरफ आपको ईमेल और फ़ोन नंबर, जो आपकी पहले से जीमेल आईडी बनी हो बना रखी है, जैसे हमने वो फेसबुक अकाउंट की जीमेल आईडी होती है साथ में और उसका पासवर्ड है। तो लेकिन अभी हमें नया अकाउंट बनाना है, तो नया अकाउंट कहाँ से बनाएंगे हम, क्रिएट ए न्यू अकाउंट। तो इसके अंदर भी ये देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है, फर्स्ट नेम, फिर सब नेम। सब नेम मान ले भाई आप अपना लास्ट नेम होता है वो टाइप कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमने नाम टाइप कर लिया, फिर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, जो आपका ईमेल एड्रेस है वो टाइप कर लीजिए, या आप अपना मोबाइल नंबर टाइप करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए। जो हमारी जीमेल आईडी है वो ईमेल एड्रेस टाइप कर लेंगे हम। ये हमने हमारा ईमेल एड्रेस टाइप कर लिया। अब आगे क्या था, री एंटर ईमेल एड्रेस, इसी ईमेल एड्रेस को दोबारा टाइप करना। क्या गया, न्यू पासवर्ड, जो पासवर्ड देना है, जैसे हमने ईमेल जीमेल आईडी में पासवर्ड टाइप किया था उसी प्रकार इसमें भी हम पासवर्ड टाइप करेंगे। तो ये देखिए पासवर्ड देना, और पासवर्ड हमेशा 8 मिनिमम लेटर का होना चाहिए। तो चलिए पासवर्ड टाइप करते हैं हम। कि हमने पासवर्ड टाइप कर लिया, फिर नेक्स्ट क्या, बर्थडे, आप डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए अपनी कोई, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। फिर जेंडर, फीमेल या मेल जो भी है आप वो टाइप कर लीजिए, जैसे हम फीमेल टाइप कर लेते हैं। फिर नीचे देखिए नेक्स्ट क्या है, साइन अप, साइन अप पर क्लिक करेंगे। जो हमने साइन अप किया तब उसके बाद देखिए एंटर द कोड फॉर योर ईमेल, एक कोड आया आपके पास यहाँ 6 अंकों का। ये आप जैसे यहाँ अगर मोबाइल नंबर देते तो आपको मोबाइल नंबर में आता ओटीपी की तरह। अभी ये हमारा जीमेल अकाउंट एड्रेस ये हमने, तो ये जीमेल आईडी में आया हमारा, तो वो आप जीमेल आईडी में जाके चेक कर सकते हैं हमारा क्या कोड आया है। तो चलिए चेक करते हैं हम। हमारे पास यहाँ जीमेल आईडी में हमारे फेसबुक अकाउंट का कोड आ गया है, तो हम ये कोड टाइप कर लेते हैं वहाँ पर। यहाँ कोड टाइप कर लिया फेसबुक अकाउंट में, फिर देख आगे नेक्स्ट क्या है, कंटिन्यू, इस पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक किया तो इस प्रकार हमारे पास एक एड्रेस, ईमेल एड्रेस आ गया। ये पूछ रहा भाई आपका अकाउंट सक्सेसफुल हो गया और आपको ये अकाउंट बनाना है, कन्फर्म है, तो आप ओके पर क्लिक कर दीजिए। ये ओके पर क्लिक कर दिया हमने। ये देखिए हमारा फेसबुक अकाउंट ओपन हो गया। ये देखिए अकाउंट बनकर तैयार हो गया हमारा। फिर ये देखिए यहाँ क्या आ रहा है, सबसे पहले वेलकम टू फेसबुक यूज़र, फिर अपडेट है प्रोफाइल पिक्चर है, जो आपको यहाँ कोई प्रोफाइल पिक्चर लगानी है तो पिक्चर ऐड कर सकते हैं आप। यहाँ ऐड पिक्चर पर क्लिक करेंगे, आपके सिस्टम में जहाँ भी कोई पिक्चर्स जो ऐड करने आए वो पिक्चर ले लीजिए और ओपन कर लीजिए। देखिए लोडिंग चल रही है, ये हमारी प्रोफाइल पिक्चर बन गई है। फिर नेक्स्ट क्या है, फाइंड पीपल यू नो, आपको किसी यूजर्स को सर्च करना है, किसी पीपल को अपने फ्रेंड्स वगैरह हो तो आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। फिर गेट यू नो योर प्राइवेसी सेटिंग है, कोई अपनी प्राइवेसी सेटिंग करनी है तो वो कर सकते हैं आप जैसे। फिर ये देखिए आपको यह छोटा सा एरो का निशान दिखाई दे रहा होगा, तो ये देखिए इसमें हमें कोई ग्रुप बनाना है तो ग्रुप बना सकते हैं हम, कोई अलग से सेटिंग करनी है अकाउंट में तो वो सेटिंग कर लीजिए। लॉग आउट करेंगे तो हमारा अकाउंट ऑफ हो जाएगा। फिर होम पर चलते हम, तो ये देखिए हमारा अकाउंट इस प्रकार ओपन हो गया है। आप
आपको कोई फ्रेंड ऐड करने हैं तो फाइंड फ्रेंड्स पर क्लिक करेंगे हम। अभी इसमें हमारे पास कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट है नहीं आई हुई। अगर हमारे पास इस पर कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो हम उसे ऐड करना है या नहीं करना तो आप डिलीट कर दीजिए अगर ऐड नहीं करना तो आपको। यहाँ हमारा जो अकाउंट का लोगो था जो हमने पिक्चर ले रखी थी उस पर क्लिक किया था तो ये देखिए हमारा यह टाइमलाइन प्रोफाइल ओपन हो गया है। ये हमारी टाइमलाइन प्रोफाइल ओपन हो गई है। इसमें हमें प्रोफाइल में कोई एडिटिंग करनी है तो यहाँ एडिटिंग कर सकते हैं। एडिट फाइल करेंगे यहाँ पिक्चर ले रही थी एडिट प्रोफाइल में, हमें ये प्रोफाइल में पिक्चर चेंज करनी हो तो चेंज कर सकते हैं। अलग से कोई बायो डाटा देना है तो आप यहाँ दे सकते हैं। अपने कोई फ़ोटो वीडियो अलग से डालने हो तो यहाँ देखिए आपको ऑप्शन दिखाई देगा फ़ोटो और वीडियो का, आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने फ़ोटो वीडियो ऐड कर सकते हैं। उसे स्टोरी में ऐड करना था आप स्टोरी में भी ऐड कर सकते हैं। चलिए हम अकाउंट को ऑफ कर देते हैं। ये लोग आउट पर क्लिक किया, ये हमारा अकाउंट ऑफ हो गया। हमने अकाउंट बनाना सीखा है नया अकाउंट। अगर हमें जो अकाउंट बना हुआ है उसे हमें लॉगिन करना हो तो किस प्रकार करेंगे हम, तो ये देखिए आप यहाँ ईमेल और फोन देते हैं, आपका जो ईमेल एड्रेस है वो ईमेल एड्रेस टाइप कर लीजिए। यहाँ हमारा ईमेल एड्रेस टाइप कर लिया, जो हमारे जीमेल आईडी का एड्रेस था वो टाइप कर लिया। फिर नेक्स्ट क्या पासवर्ड, तो आप जो पासवर्ड बनाया आपने इसका तो आप पासवर्ड टाइप कर लीजिए, पासवर्ड टाइप कर लीजिए और फिर लॉगिन पर क्लिक कर देंगे तो लॉगिन हो जाएगा। आपको पासवर्ड सेव रखना है या डोंट सेव, तो हमें डोंट सेव रखना है। तो ये देखिए हमारा अकाउंट वापस ओपन हो गया। ये देखिए आपको किसी को मैसेज करना हो तो अब यहाँ मैसेंजर पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार हमारे पास चैट्स ऑप्शन आ गया, तो यहाँ से आप मैसेज भेज सकते हैं आपको किसी को मैसेज सेंड करना हो तो। चलिए हम अकाउंट को ऑफ कर देते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट कर लें और मेरे चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।